और अब एक कहानी मुंबई से। मुंबई के सत्य प्रकाश तिवारी के लिए जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन वो आसानी से हार मानने वालों में से भी नहीं थे। नतीजा, आज उनके पास नेशनल लेवल के 100 और इंटरनेशनल लेवल के 17 मेडल हैं। एक खिलाड़ी की जिंदगी की दास्तां आइए देखते हैं। शॉटपुट, बैडमिंटन, डिस्क थ्रो, इन सभी खेलों में कीर्तिमान बना चुके हैं सत्य प्रकाश तिवारी। वो सत्य प्रकाश तिवारी जो आज न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। लेकिन 6 अगस्त 1981 का दिन सत्य प्रकाश के लिए काला दिन साबित हुआ। मुंबई में लोकल ट्रेन से वो अपने घर जा रहे थे, उनका पैर फिसला और वो चलती ट्रेन से नीचे गिर गए। हादसे में सत्य प्रकाश की दोनों टांगे जाती रहीं। ऑलमोस्ट उस समय मतलब एक लाइफ मतलब मुझको तो एकदम शून्य लगने लग गई, और उस जीरो में मतलब एक कुछ मतलब कुछ सोचने समझने की शक्ति जैसे कि एकदम समाप्त हो गई। उस समय काफी समय मुश्किलों में रहने के बाद तिवारी ने खेलों को अपना सहारा बनाया। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जज्बा पहले से था मेरे अंदर, और उसी वजह से शायद मुझको एक ये जो मेरा लाइफ है, जो डिसेबिलिटी का लाइफ में जीने में जो सहायक बनी, वो मेरे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन सत्य प्रकाश के पास प्रोफेशनल स्पोर्ट्स व्हीलचेयर नहीं थी। सत्य प्रकाश की मदद की मुंबई पुलिस ने तिवारी को 2 स्पोर्ट्स चेयर दी। फिर क्या था, तिवारी ने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल की झड़ी लगा दी। तिवारी एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 16 मेडल जीत चुके हैं। सत्य प्रकाश के पिता उस दिन को याद कर रो पड़ते हैं। प्रोत्साहित करने में कोई चीज कसर नहीं रखती, हर माने में जितना हमसे हो सका है अपने से। रिटायर होने के बाद आज भी वो मैं उनको सुविधा दिया हूँ। सुविधा मैं क्या दिया, यह भगवान ने दिया है, लेकिन यह है कि मन में वही है कि कितना भी आगे बढ़े उससे मुझे प्रसन्नता है। सत्य प्रकाश के बेटे को भी उन पर गर्व है। जितना हो सके उनको सपोर्ट दूं, जितना भी उनके खेल में जितना भी सपोर्ट दे सकूं उतना मैं कर सकूं। अब तक तिवारी 18 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और कई मेडल भी जीत चुके हैं। लेकिन इतने मेडल जीतने के बाद भी आज तक उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली। अगर वो पैरा एथलीट्स को भी अगर एक थोड़ा सा अगर उनके ऊपर ध्यान दे तो हम भी अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए जी जान से लड़ने के लिए तैयार हैं। आज भी वो एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना घर चलाते हैं, लेकिन सत्य प्रकाश के हौसले और हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। एक वक्त जरूर आया जब इनकी किस्मत इनसे रूठ गई, लेकिन उनके जज्बे और हौसले में कभी कोई कमी नहीं है। और स्पोर्ट्स व्हीलचेयर के सहारे उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद दोनों पैर पर खड़ा इंसान न कर पाए। यदि आपके मन में जज्बा और लगन हो तो आप कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। 93% डिसेबल सत्य प्रकाश तिवारी जब देश का नाम विदेशों में रोशन कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं। इस समय मुंबई से कैमरामैन पवन सिंह के साथ एत्रामल।